देखो, दो दिन पहले टीवी में, न्यूज़ में सभी चोरी का सुना, मैं खरीद लिया बोल को, मैं जारस करे कर बोल को न्यूज़ फैला है, सलासल झूठ था वो। वो चैनल, वो मीडिया, थोड़ी देर के बाद मेरी दूसरी वाइफ कंप्लेंट दी है, उसके केस में मंजे पुलिस अरेस्ट करी कर बोल को न्यूज़ फैला लगते हैं, दो बात भी झूठ। वो झूठ को सही दिलाने के वास्ते जस्ट प्रसमीट कराया था यहाँ। एक्चुअल उस दिन क्या था का, तो मेरे दो बच्चे, दूसरे मेरे रिश्तेदार के एक बच्चे को मैं घर में पाल लिया था, उसे MBBS पढ़ा को, MBBS डॉक्टर बना को मेरे साथ घर में रख लिया था, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कर बोल को। लेकिन एक साल के पहले करोड़ों रुपये खर्चा करके उसे अच्छे बड़े घर में शादी भी कराया। वो बच्चा ज़रा कमीना निकला, मुझे कमीना निकल को क्या करया, उसके सास के घर में जो मिल को हमारे सक ज़रा गड़बड़ा कराया घर में, हमें समझे इसके बाद इसे घर में रखना मना बराबर नहीं, जा भाई तो अलग चले जा, मेरे को छोड़े अलग जा को। एक साल तक उनके सास के घर में मिल को, उन्हें बिजनेस कर लो, उन्हें भी क्या किया कंपनी बना लो, कुछ जी लग था। अब दो चार महीने के 15 दिन के पहले जोरू मरद में कहीं गलाटा हुआ ससरे जवाई में, वो ससरा उसका आंध्रा में मेरा दोस्त, उन्हें वो गाँव का मेयर, सिटी का मेयर, एक बड़ा आदमी, उन्हें भी बड़ा पैसे वाला भी, पॉलिटिकल भी पावर, प्रेजेंटली मेयर, वहाँ बेटी जवाई के क्या के गलाटे में मजे, मेरी जोरू, मेरे बच्चे अंकू सबके ऊपर भी एक FIR करा को। पुलिस मेरे घर के पास आई थी, मेरे घर के पास आको मुझे 41 CRPC का डोमेस्टिक वायलेंस 498 केस का 41 CRPC नोटिस दिए। वो नोटिस को इमीडिएट हमारे साथ आको वहाँ स्टेटमेंट देना करे, मैं भी उनके साथ गया था, मैं मेरी जोरू बच्चों को बुला लो, किसके ऊपर उन्होंने नोटिस दिया सबको बुला लग जाको, वो नोटिस को स्टेटमेंट देखो, वो नोटिस को क्लोज करको, वापस बेंगलोर गया। ये सही था, लेकिन मीडिया में चले सका चोरी का सुना भी नहीं, चोरी के सुनने के केस भी नहीं। दूसरा जोरू मुझे मेरे ऊपर कंप्लेंट दी करे, सो दूसरी जोरू मुझे कोई भी दूसरी जोरू भी नहीं है, ये बोलना फाइनल था। सर ये जो फॉल्स एलिगेशन लगाया इस मीडिया के ऊपर, आपने कुछ एक्शन लिया है? उनके ऊपर ऑलरेडी डेफर्मेशन फाइल करा रहा हूँ, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग करके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके चैनल की लाइसेंस को कैंसिल करो करके हमारे तरफ से लेटर जा रहा है उनके ऊपर। सर 498 केस में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं सर, तो पुलिस आकर आपको कैसा लेके गए? नहीं नहीं, ले को गई कर रहा है झूठ, तो बात ले को गई नहीं, मुझे नोटिस दिए, आज आपको आंसर दो करे, मेरे कारण में चमच गया। आप खुद पर्सनली चले गए? ये जाना जाना पुलिस नोटिस दिए बाद दे। देखो इंडियन कानून क्या है कि, तो कानून के समय कौन भी पढ़ा नहीं, बराबर नोटिस दिए उन्हें करे सो गलत क्या कर, तो मेरे साथ ही चौकर बोले मुझे मजबूरन उस सेम डेट को मैं अटेंड करना कर नोटिस दिए थे। अब दिए बाद वो डेट को अटेंड करना कर, तो जाना 600-800 किलोमीटर उसका से निकला, वो गाँव को फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है, वो फ्लाइट अभी शाम को हिंसो विजयवाड़ा जाको, विजयवाड़ा से वहाँ से 100 किलोमीटर जाना, फ्लाइट आ नहीं, मजबूरन वो डेट को मैं अटेंड करना पड़ा, उसके से उनके साथ मेरे कारा में हमें निकलना पड़ा। उस सर इस वक्त क्यों आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगाया गया इस तरह? तो अभी चुनाव का प्लान चल रहा मेरा टुमकुर से, उसे गड़बड़ करने के वास्ते एक महीना पहले टुमकुर के लोकल वहाँ का एक्स एमएलए सुपारी के केस में मेरे ऊपर वहाँ के मैं FIR कराया, ये देखे तो मेरे ऊपर सेकेंड FIR अरेस्ट हो गया करको बात आए सभी। पॉलिटिकली इस बार मैं MLA बनना, विधानसभा के अंदर जाना, कौम के मसले उनको सामने खड़को दिखना देखना करको मेरा प्लान है। इसे जरे आदमियाँ पीछे से उंगलियाँ कर रही, ऐसा एक ताकत अंदर आकर आया तो क्या तो हो सकता का लको, आना नहीं करना का किसी को है दिल में, उन्हें इसके पीछे हाथ आई आगे जाने के बाद इसके बाद बहुत कुछ हो सकता है, तो क्या प्लान रहेगा? अरे बमनली बाबू सबको भी स्ट्रांग है, कहीं को भी डरिया सुने नहीं, ये छोटे छोटे मसले में क्या भी डरिया भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं डरूंगा, सब मेरे भाई तुम्हें सब भाई मेरी कौम है, मेरी जात है, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत है, मेरी दुआ भी है सबकी भी है। सर इसी तरह से जो है जब भी कोई मुस्लिम लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं उनके फैमिली इश्यूज को सामने कर कर इस तरह के जो है ट्रोल कर रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं। देखो पॉलिटिकली हमें ताकतदार नहीं, पैसा में मैं इंडिविजुअल ताकतदार हूँ, लेकिन पॉलिटिकल ताकतदार हमारे बड़े लीडर है ना, उन्होंने बड़े लीडर एक पॉलिटिकल कर्नाटक में ताकत बन को रहते, तो ऐसे हमारे सरकार दिया सब मजबूरी नहीं, अब हमें फास्ट उगर लखें उसके से क्या तो भी करना कर हिम्मत दबा रही। फैमिली के लोगों को इन्वॉल्व करके इस तरह कैसे पॉसिबल कैसे हो रहा है? देखो क्या भी जिसमें बेसलेस मैं हमारा पालन बच्चा उसकी जोर उसके ऊपर कंप्लेंट दी, तो अट्टिका बाबूज करके बोली मेरे बेटे इन्हों क्या कर सकती, अब उनको घची लगा मार तो नहीं सकता मैं,
लेकिन उनके ऊपर कानून क्या कर सकते हो, कानून तो करना, वो एंगल में काम चल रहा है मेरा। मुरली बाबू के नाम से जो है एक लोगों में मोहब्बत है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं? देखो मुरली बाबू समझदार, ये कौम में एक समझदार इंसान, कौम भी उसकी समझदार बनना, अक्लमंद बनना, पावरफुल बनना, पैसे वाले बनना, दिमाग वाले बनना करके मैं पूछ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। अल्लाह मंजे माशाल्लाह पैसे हमें सबकी ताकत दिया, मैं फ्यूचर में MLA बन रहा हूँ, बनने वाला हूँ। मेरे वास्ते दुआ करने वाले दुआ करो, मेरे साथ जुड़ को काम करने वाले करो। कर्नाटका का एक बच्चा भी ताकतदार बनना करने का मेरी सोच है, इसमें तुम्हें भी दुआ करो, दूसरा भी करो, बराबर इसमें साथ लो, बनो तुम्हें भी। फ्यूचर हमारे सरकार को, हमारी कौम के लीडर को हम ना एक प्रोटेक्शन बनती, तुम्हें सब मिलको वैसा तुम ना सभी मिलको हमें भी एक प्रोटेक्शन बनती। ये पुराने लीडर को मैं बोलता हूँ, पहले हमारे लीडर के अंदर एक ताकत बनो तुम्हें, अगर तुम्हें ताकत बने तो हमारे सरकार को तकलीफ़ नहीं, एक तकलीफ तुम्हारे ऊपर भी आएंगी, उस समय हमें भी रहती तुम्हारे साथ, सब जुड़ को हमें रहते हो, ये सब मसले नहीं आते। सर पर्टिकुलरली आप टुमकुर कर रहे हैं, टुमकुर से टिकट कौन सी पार्टी से कन्फर्म है? मुझे JDS में जुड़िया था मैं, JDS में कन्फर्म कुमार स्वामी बुला को, मुझे ब्रदर तू गया तो जीतता सो, जो दूसरा था दो बार हारा था उन्हें गया तो जीतना नहीं, उसे वकली का वोट डालते नहीं कर बोल को, मुझे कन्फर्म कर को, कन्विंस करा को, कुमार समित भेजा सो। अब क्या कि अंदर वाली दूसरे चंद मसले मैं मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, उसके वास्तव मजे छोड़ को उसे देता हूँ कर ले खबर ने, फाइनली सीट मजे अच्छी मिलती है, अगर वहाँ नहीं मिली तो भी सीट मंजे अल्लाह हमारे दो अंखियाँ देखो यहाँ पर फिलहाल मैं चंद बातों के वास्ते अवॉइड कर रहा हूँ। आराम से इस बार टुमकुर से मैं कैंडिडेट, मैं कैंडिडेट नहीं टुमकुर का MLA नेक्स्ट 5 साल के वास्ते 2023 के बाद, ये अटिका बोमनली बाबूज तुम्हें भी दुआ करो, दिस इज़ द फाइनल।